अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका आज का दिन और कैसा लगा आपको मेरा कल वाला व्लॉग? हम दोनों ने, देवर भाभी ने, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, मेरा देवर है, हम देवर भाभी ने ये डिसाइड किया है कि मैं शुरू करूँगी एक सीरीज। का नाम क्या है? सीक्रेट यू शुड नो। यस, सीक्रेट यू शुड नो। अच्छा, इसके होंगे कुछ एपिसोड्स। उन एपिसोड्स में मैं आप लोगों के पसंदीदा लोग, जिनको आप चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स उनके होंगे जो उन्होंने कभी आप लोगों को नहीं बताए होंगे। जैसे कि पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपनी फैमिली से। मैं सबसे पूछूँगी इनसे कोई ऐसा सीक्रेट जो किसी को नहीं पता हो, तो वो सीक्रेट। और मैं स्टार्ट करूँगी समीर के साथ। समीर, तेरे सारे सीक्रेट नहीं निकलवाऊँगी आज। यस, आज तू फंसा है। तो इसमें ये होगा कि जो मेरा गेस्ट होगा या जो आया, जिससे मैं मिलूँगी, जिसके साथ मैं ये शूट करूँगी, उससे मैं उसका वो सीक्रेट पूछूँगी जो उसने कभी किसी से शेयर ना किया हो और वो सिर्फ फर्स्ट टाइम मेरे साथ शेयर कर रहा हो। तो इस तरह मैं एपिसोड्स चलाऊँगी। अभी हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो एपिसोड 1 में आप सबका खुशामदीद। वेलकम। साथ साथ व्लॉग भी जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग्स नहीं दूंगी, मैं साथ साथ व्लॉग्स भी दूंगी। ये एपिसोड्स 3-4 दिन बाद आएंगे। पर वीक एक एपिसोड। हाँ, पर वीक या दो भी हो सकते हैं। दो भी हो सकते हैं, एक हो सकता है। हाँ, दो भी हो सकते हैं, लेकिन व्लॉग्स मैं डेली करूँगी। ये कभी कभी होगा, जब कभी व्लॉग्स नहीं होंगे तो एपिसोड लगाऊंगी। सही है ना? हाँ। तो अभी आज का एपिसोड जो है हम स्टार्ट करते हैं समीर रशीद के साथ। तो आए देखते हैं इसके ऐसा क्या सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता। चलो समीर, सबसे पहले ये बताओ ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है समीर रशीद। पता है मैं कोई नई बात होता नहीं बात। अच्छा, तुमने कभी जिंदगी में बचपन में चोरी की है? चोरी? हाँ, की है। कितनी चोरी की है? फकर से बताया। शर्म है। क्या चोरी किया था? मैंने चोरी किया था, एक किटकैट। ठीक है, चोरी है, ये तो बच्चों वाली है ना। बच्चा था ना। अच्छा, वैसे बचपन में उसने क्या चोरी करनी, और बैंक थोड़ी लूटेगा जाके। तो 3 क्लास 3 क्लास में था मैं। अच्छा, तो वैसे मैं कैट भी जाना था। अच्छा, थे 5 रुपए। अच्छा, जाना था, मैंने वो लेनी थी। एक आते थे निम्को, बाबा निम्को, इतना सा। हाँ, आती थी बाबा निम्को। दो मैंने वो ली, ठीक है, और मैंने देखी किटकैट, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम चोरी से खरीदी थी। किटकैट बदनाम, चोरी करके बच्चे खाते रहे, किटकैट में खानी है, किटकैट फारो हो गए। अच्छा चलो, ये तो हो गई चोरी। और कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड तुम्हारी तो होगी ज़रूर, ये तो तुम्हारा निकल आएगा। ज़िंदगी की पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी तुम? ओ हेलो हेलो हेलो, वापस वापस आ जा, शाबाश शाबाश, आ जा बैठ जा बैठ जा। आज ये दुनिया हमारी पोल खोलेगी जान। जान। अच्छा, जान की तुम्हारी कैसी की तैसी। अच्छा, अपनी लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट बताओ मुझे जो तुमने कभी किसी से शेयर नहीं किया, जो तुम्हें लगता था तो तुम नहीं करोगे, बट हो गया तुमसे। वो हुआ था मेरा कॉलेज में। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? मुझे मार पड़ेगी अब्बा अम्मा से। ओह अच्छा। हाँ, भाई थोड़ा सा प्राउड हो गया, बड़ा भाई लड़के है। अच्छा, अम्मा वहाँ से मार पड़ेगी। मेरा कॉलेज में, मैं नया नया गया था। अच्छा, और कॉलेज था भी जरा ना बड़ा, लाहौर का नाम पर कॉलेज है एक। अच्छा ठीक है। इसका पीछे कुछ सीन भी निकले थे। अच्छा, तो लड़ाई हुई तेरी वहाँ पे? मेरी लड़ाई हो गई थी लड़के के साथ, जिसमें उन्होंने उनकी तरफ से पिस्टल भी निकलाई थी। ओ। तो मेरे एक सर थे, उनका मतलब नाम नहीं याद, कंप्यूटर के सर थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको 2 दिन की छुट्टी मेरी तरफ से करवाओ ताकि लड़ाई भरे ना। अच्छा, क्योंकि वो थे पीछे से थोड़े से ना पिंड वाली टाइप के। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया था मैटर, तो मेरे सर ने कहा था कि इसको 2 दिन छुट्टी मेरी तरफ से दी जाए। तो तुम्हें, तुम ये तुम्हारा अम्मा अब्बा को पता था, तो सीक्रेट कैसे है? नहीं, अम्मा अब्बा को तो ये पता था कि मेरा बेटा मासूम श्री सा है, तुम्हार खा के आ गया, कोई बात नहीं, मैं छुट्टियाँ कर रहा, खैर डर गया। उनको नहीं पता था मैं उसको सूत्र करके आऊँ प्रॉपर। आगे तो मैं ज़्यादा बूढ़ा करके आया था। मार कर आया था तू उनको? बेशरम। पिछले रेगुलर ड्रिंक। हाँ, उसकी शीशे वाली बोतल से उसको मैंने मारा था। शर्म थी, बड़ी गंदी थी, गुस्सा बड़ा आ गया था मुझे। तुम्हारे, मुझे तो नहीं लगता तुझे कभी गुस्सा आता है यार समीर। नहीं, घर के बारे में जो बोलेगा उसकी ऐसी की तैसी करेंगे। हाँ, वो तो जाहिर है। खैर, ओके, अब मुझे तुमने वो बताना है जो तू किसको नहीं बताना चाहता। क्या? अब मुझे तू बता, तूने पहली दफ़ा किसको स्टॉक किया था? मुझे ना ये हल्की फुल्की बात तेरे मुँह से निकली थी कभी, तो मुझे पता है। अब तू मुझे बताएगा तुमने किसको स्टॉक किया था और क्यों किया था? शाबाश। स्टॉक वो क्या होता है बेटा, बता दे। मेरे पास फोन भी नहीं है अभी। हैं? मेरे पास फोन ही नहीं है कोई ज़िंदगी में। फोन नहीं है?
अच्छा वॉलेट रखा हुआ है भाई, अभी बस टॉप मैंने किया था, एक लड़की थी अलग लड़की ना, तो चांसेस ही कोई थे, फील्ड भी थी, चलो मतलब प्रैक्टिकल भी काम कर लेता सब। अच्छा अलग फील्ड की थी, प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, अच्छी लग गई मुझे। अच्छा तो बस उसको स्टॉक किया, उसका अकाउंट प्राइवेट था, फिर उसकी प्रोफाइल अकाउंट प्राइवेट था, इसके आगे मैं लगा देना है मोए मोए उस पर भी था मोए मोए। अच्छा कोई नहीं, फिर मेरा एक दोस्त नाफे अकबर, ठीक है, केएफसी का बाबा उसको सारे कहते हैं। अच्छा तो उसने हेल्प की, उस दोस्त के नाम पे इतना ज्यादा तुमने शैतानी शक्ल की बनाई है, क्योंकि वो शैतान है। कोई अंडे से निकलो पहले, फिर आज की मशुकी करेंगे। अंडे से क्या निकलो, माशाल्लाह अभी बर्थडे की है पीछे निकले, अंडे से भी बहुत ज्यादा साल हो गए। अच्छा फिर और था, अच्छा नहीं देखा था मैंने उसको, एक इवेंट था। अच्छा तो वहाँ पे ना दो सेकंड की जनक होती ना शाहरुख काजल, चलो ऐसे वो गुजरी थी, मैं ऐसे ही हम सारे बैठे थे, ऐसे हुआ था। अच्छा तब अच्छी लगी, तो स्टॉक कर लिया तुमने, बात हुई उसको मैंने, हाँ हुई। अच्छा फिर बात हुई, वो भी एक बड़ा एक सिनेरियो बना के, एक कॉलेज में जरा एक इवेंट करवा के बनाया बात की। अच्छा मेहनत तो भी बात करने में यार, जाहिर है फिर भाई ने कितनी मेहनत की थी, मेहनत तो करनी पड़ती है, मुझे लगता है तेरी उसी मेहनत का गोल आ रही है। नहीं ये तो आसान था, ये देखे आसान, अभी तो क्या तेरे पास फोन नहीं पकड़ा गया, पकड़ो मुझे नहीं था पता ये इतना बड़ा सीक्रेट बताने वाला है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो भी तुम हो इसे निकने मजान सेव किया हुआ है, जो भी तुम हो मेरी बात सुनो, चौकस रहना, इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। अपना सीक्रेट वाकई शेयर कर दिया है कि वल्लाह ही ऐसा बंदा नहीं है, ये कभी भी शेयर नहीं करता, और समी से तो बहुत ज्यादा डरता है, समी वैसे जिन बने होते हैं इसके आगे, तो ना समी से बहुत ज्यादा डरता है, बड़ा भाई है ना, इज्जत करता है, तो उनको नहीं बताता, लेकिन इसे सीक्रेट बता दी, अब सम्मी मेरा नहीं ख्याल देखेंगे, वो अब तीन चार दिन बाद लोग देखते हैं, देख भी आप हैं, खैर ही ऐसी की तैसी, उनको कह देंगे स्क्रिप्टेड है। जी सर आपने मुझसे तो बहुत कुछ पूछ लिया, बहुत राज भी बता कर लिए, अपनी क्या लगी आपकी, और मेरी कुछ लगी, चल अभी रिश्ता लेके जाऊंगी तो फिर लगेगी, कोई नहीं जान मान जाएंगी। अच्छा तो अब आप बताएं, आपसे पूछूंगा कुछ कुछ बातें, बचपन में कोई ऐसी शरारत जिस पे घर में बड़ी मार पड़ी आपको? वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, बहुत शरारती बच्ची थी मैं अपने घर में, मैं और मेरी सबसे बड़ी बड़ी बहन जो है ना इब्जा, हम लोग इस तरह करते थे, हम घर से बाहर निकलते थे और बाहर जाके ना लोगों की ना जब लाइट ही होती थी, लाइट बहुत आती थी, लोड शेडिंग ही बहुत होती थी तब, तो हम लोग क्या करते थे, लोगों की बेलें ऑन करके ना ऊपर टेप लगा देते थे, और लाइन वाइज होता था घर, हमने ना वेलन की टेप लगा दी थी, जब लाइट आती थी ना तो हल्ला गुल्ला मच जाता था, तो ना और दूसरा ये हम दरवाजे बहुत खटकाते थे, खटका के भाग जाते, एक दफ़ा क्या हुआ, मैं दरवाज़ा खटकाने की आराम आराम से ना भागे, इज्जत दरवाज़ा खटका के भागे, जब मैं दरवाज़ा खटकाने लगी मैंने ऐसे करके दरवाज़ा खटकाया, जैसे आंटी आंटी वाली ठहर जा रहा तनु, मैं दसवीं वहाँ से मैं भागना शुरू हुई, उन्होंने मेरी मामा को शिकायत लगाई, फिर जो मुझे हैंगर से मार पड़ी, मामा के हाथ में हैंगर था उस वक्त, में जो माँ के हाथ में आता था ना वो मार देती थी, उस वक्त हैंगर भी मार के लिए यूज होते थे, हाँ करती थी, मेरी जान निकल जाती है। कोई नहीं मरती है, मार हमें ही पड़ी है, हाँ बहुत मार पड़ती है, मार पड़ी है तो आज स्टेबल है, सही बात है, मार पड़ के स्टेबल है। खैर गाइस इससे पहले मुझसे कोई नया सीक्रेट पूछे, आज का हम अपनी जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी स्टार्ट है, स्टार्टअप है, और बिल्कुल हम लोग तैयारी से नहीं आए, फ़ौरन डिसाइड किया, फ़ौरन बनाया, नेक्स्ट टाइम प्रॉपर तैयारी से आएंगे, इसका मैं दोबारा से करूंगी, और तब दोबारा से नहीं, क्या मतलब पार्ट टू भी है मेरा, यस तुम्हारा पार्ट टू भी लगाऊंगी। ओहो अभी अभी मैं तुम्हारी स्टोरी पता लगी है, अब मैं बीच में जरा सर्च है, मैं जरा तुम्हें स्टॉप करूंगी, फिर उस हिसाब से मैं तुमसे सवाल करूंगी। ओए ओए ये तो गलत है, यही सही है। खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस किस से जाके क्या क्या सवाल करूँ, क्यों किस किस के सीक्रेट्स आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उनसे सवाल जरूर करूँ, तब तक के लिए कोई ऐसा हिंट दे दे जिसका अगले साथ अगला आप करने वाली हैं, कोई हिंट
हिंट क्या, खुलेआम बताती हूँ समीर रशीद। ओके यार समीर रशीद के सीक्रेट्स जाने के लिए तो मैं सबसे ज्यादा बता दूँ समीर रशीद क्या करूँगी, इनके ऐसे ऐसे सीक्रेट्स निकलवाऊंगी ना इनको इनकी अम्मा ही कसम दे। तो अभी मैं चलती हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स का पता लग जाए करें, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पर एक्टिव हो रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हूँ यार, देख ले। जी जी बिल्कुल हो रही हूँ ना, पूरी तो ऐसी सीरीज भी आ रही है साथ 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 सीरीज भी आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब करेंगे ना, फिर शॉर्ट्स भी लगाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता सब होगा। तो बस दुआ में याद रखें और सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और अब मैं चलती हूँ, जब तक अगला व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।